गाइस इतनी मेहनत करने के बाद भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रहा है आप लोगों का यार। मतलब 1 लाख लोग देखते हो तभी भी यार 2000 लोग सब्सक्राइब करते हो, थोड़ा सपोर्ट करो यार। मतलब अब तो लगने लगा है कि यार यहाँ पे मेहनत की कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वीडियोज़ बनाते हैं यार, बहुत मेहनत करते हैं यार। जाओ यार नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है दबा के यार नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑल पर सेट कर दो यार। बिल्कुल अच्छे कंटेंट मिस मत करो यार, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि यार ये बंदा बहुत हार चुका है अपनी मेहनत करने के बाद अब। अरे देवकी जरा चाय बना के लाओ, आज बहुत काम किया है सुबह से, थक गया एकदम। हाँ जी रुकिए लाती हूँ अभी, एक मिनट रुकिए बनाने दीजिए। अरे पान सिंह तुम्हारा बेटा बहुत बिगड़ गया है, मुझे तुमसे बात करनी है इसके लिए कुछ। हाँ बोलो ना क्या हुआ, क्या किया धोनी ने? हम बोल रहे हैं कि वो हमारे बच्चे को भी लेके दिन भर क्रिकेट खेलता है बाहर, और हमने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बोला है फिर भी वो उसको लत लग गई, वो क्रिकेट खेल रहा है आजकल उसके साथ। अरे पर एमएस धोनी तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है वो, मतलब आपका बेटा खेलना चाहे तो खेले, नहीं तो मत खेले। अरे नहीं देवकी तुम रुको, क्या हुआ क्यों? वो दिन भर क्रिकेट खेलता है ना, आने दो उसे। देखो पान सिंह मेरा वो मतलब नहीं है कि तुम्हारा बेटा क्रिकेट खेले चाहे मत खेले, बस मेरे लड़के के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए कुछ भी हो जाए। अरे तुम रुको, आने दो आज से वो क्रिकेट ही नहीं खेलेगा। पान सिंह ये सही है, उसे तुम क्रिकेट खेलने से ही मना कर दो, काम खत्म। हाँ हाँ ठीक है मैं मना कर दूंगा। अरे पापा मैं आ गया। कहाँ गया था तू? अरे पापा मैं क्रिकेट खेलने गया था। आज के बाद तू क्रिकेट खेलने नहीं जाएगा। अरे पापा पर ऐसा क्यों हो गया? मैंने बोला ना आज के बाद तू क्रिकेट खेलने नहीं जाएगा। अरे पापा हुआ क्या? देखो बेटा वो बगल वाले श्याम जी आए थे और तुम्हारे पापा को बोल के गए कि आपका बेटा दिन भर क्रिकेट खेलता है, मेरे बेटे को बिगाड़ रखा है। पर मेरी क्या गलती? यार मेरी क्या गलती है यार, उनका बेटा क्रिकेट खेलता है मेरे तो मैं क्या करूँ यार, ये कौन सी बात है? मेरे को क्रिकेट खेलना है कुछ भी हो जाए। हाँ पापा मुझे अपने पापा को समझाना होगा, चलो चले शायद वो मान जाए। चलो पापा पापा सुनो ना। हाँ बोलो क्या हुआ? अरे पापा मेरे को क्रिकेट खेलने दो ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत अच्छा खेलता भी हूँ, मेरी सब बड़ाई करते, प्लीज़ खेलने दो। अरे तू रो क्यों रहा है? चल ठीक है क्रिकेट खेल लियो, पर उस श्याम के लड़के के साथ बिल्कुल नहीं। हाँ पापा मैं उस लड़के के साथ खेलूँगा, मेरी आएगा तो भगा दूंगा, मतलब पता मार के भगा दूंगा। अरे नहीं नहीं मार के मत भगाइयो, फिर आ जाएगा वो, क्रिकेट खेलियो लेकिन तुम्हारी पढ़ाई में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तुम जाओगे बस 1 घंटे क्रिकेट खेलोगे। हाँ पापा ठीक है मैं 1 घंटे खेलूँगा। ठीक हाँ पापा मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ बेटा बोलो ना क्या हुआ? पापा वो कल से मेरा एग्ज़ाम भी है और 11 बजे से टूर्नामेंट भी है मेरा, तो क्या मतलब तुम एग्ज़ाम छोड़ रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं मतलब 10:30 बजे तक एग्ज़ाम हो जाएगा, तो 11 बजे की ट्रेन में पकड़ लूँ तो मैं क्रिकेट खेलने भी जा सकता हूँ, तो मतलब मैं लेटा लेट आऊँगा बस यही बताना था। देख क्रिकेट के चक्कर में एग्जाम खराब गया ना, तो फिर देख लेना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अरे अरे पापा कुछ नहीं होगा, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, मैं प्रैक्टिस कर रखी है, बस मेरे को पढ़ना है। हाँ काफ़ी वक्त पे आ गया, नहीं तो लेट होता तो ट्रेन चली जाती आज तो। आज तो ट्रेन लेट हो गई भाई, रुक जा। अरे पकड़ पाऊंगा मैं? अरे चढ़ू कैसे? अरे यार कैसे चढ़ू? हाँ चढ़ गया, आज तो मुझे लगा था कि मेरी ट्रेन छूट ही जाएगी। अरे आज तो ट्रेन से बहुत पहले आ गया मैं, मतलब कल तो लेट ही हो रहा था। चलो भाई चढ़ जाओ। अरे पान सिंह तुम्हारा ही बेटा है ना धोनी?
हाँ 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 मेरा ही बेटा है सर, क्या हुआ? वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, उसे पैसे दो, उसे आगे बढ़ाओ, बहुत नाम करेगा। हाँ हाँ ठीक है सर, मैं उसका सपोर्ट कर रहा हूँ, वो अच्छा क्रिकेट खेलता है मुझे पता है। हाँ बहुत अच्छा, आगे जाएगा वो बच्चा तुम्हारा, बहुत आगे। अरे धोनी बाहर आ। हाँ बताओ ना क्या हो गया। बताऊंगा तो तू खुशी के मारे पागल हो जाएगा। ऐसा हुआ क्या है? अरे तुम्हारा कोलकाता प्रीमियर लीग में सिलेक्शन हो गया, तुम्हें कल जाना है कोलकाता। बस प्रॉब्लम यह है कि तुम सुबह पहुंचोगे कैसे, अब रात हो गई। सच में मेरे केपीएल में सिलेक्शन हो गया है? अरे हाँ भाई हाँ, रुको मैं पापा से पूछ के आता हूँ, मैं कैसे पहुँचना है, मैं कैसे भी चलना होगा। चलो जल्दी चलो, मैं पापा से पूछ के आता हूँ, तुम लोग यहीं रुको। पापा पापा मेरे को केपीएल में बुलाया है, बस मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कल सुबह मुझे कोलकाता पहुँचने में जाऊँगा कैसे। अरे बेटा तुम मेरे बॉस के यहाँ चले जाओ, वो तुम्हारी मदद कर देंगे, उन्होंने बोला था कि तुम्हारा लड़का अच्छा क्रिकेट खेलता है, जब मदद की ज़रूरत हो बुला लेना। हाँ ठीक है पापा, मैं अभी जाता हूँ। सामने घर है इसका, सामने घर है। हाँ हेलो सर, दो मिनट बाहर आई हूँ। अरे तुम धोनी हो ना? हाँ हाँ मैं धोनी, वही पान सिंह का बेटा। हाँ 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 अब बोलो ना क्या हुआ। अरे सर वो कल हमें कोलकाता पहुँचना था, थोड़ी मदद चाहिए थी आपकी गाड़ी वाड़ी। देखो इतनी रात हो गई है, तुम लोग बहुत लेट आए, थोड़ा सी बात है तो गाड़ी दिलवा भी सकता था मैं। अब तुम लोग चले जाओ, जाने दो, बाद में कभी जाना जाना केपीएल खेल ले। अरे अरे नहीं सर, फिर मौका मिले या ना मिले। अरे रहन दो ना, मेरे पास गाड़ी नहीं है, बोल तो रहा हूँ, हटो यार मैं जा रहा हूँ। जी यार मेरे साथ ऐसा क्यों यार, ये बहुत हरामी है यार, ये कोई मदद करने का मन ही नहीं इसका। अच्छा धोनी सुन, तू जा सामान पैक कर, हम कुछ भी व्यवस्था करके आते हैं। यार पर कैसे करोगे तुम लोग, हम करेंगे ना, तू जल्दी जा। ठीक है मैं जाता हूँ, ठीक है रात में 12 बजे मिलते हैं। हाँ ठीक है ठीक, थोड़े मोड़े पैसे होंगे मेरे पास, कैब वाले को कैसे भी ले लूँगा। हाँ अरे यहीं तो रखे थे, कहाँ गए? अरे हाँ मिल गए, चलो चलो चलो, हाँ ये भी है, चलो। बोला था 12 बजे आएंगे, अभी तक वो लोग नहीं है। अरे आ गए आ गए आ गए, चलो आ गए। गाड़ी कहाँ से लाई? ओ भाई तुम लोगों ने गाड़ी कहाँ से लाई? अरे साणे मत बन, जल्दी आ जा, लेट हो रहा है। हाँ आता हूँ रुको, चलो चलो चलो। अरे मैं पूछा था गाड़ी कहाँ से लाई, अरे वो हमारे पास थोड़े पैसे थे, साइबर वाले को ले लिया। यार तुम लोग कितना कर रहे हो मेरे लिए। अरे अरे कोई बेटा नहीं, कोई बात नहीं, हमारा भी सपना था क्रिकेट खेलने का पर हम नहीं खेल पाए, तू है ना, तू कर सकता है हमारे सपने पूरे दोस्त। अरे भाई पहुंच पाएंगे पर पहुंच गए। अरे हम हैं तो क्या दिक्कत है? अरे क्या हुआ, क्या वजह? अरे यार क्या बताऊं, जस्ट आधे घंटे पहले ही फ्लाइट निकल गई। क्या यार हम तो टाइम पे आए। नहीं यार कुछ इमरजेंसी था, इस वजह से पहले भेज दिया। अरे यार ऐसे क्यों होता यार मेरे साथ, रुको मैं आता हूँ। यार ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, मेरे को नहीं खेलना आपका क्रिकेट यार। पापा आपको मैंने बोला था कि पान सिंह को समझा दो कि अपने बेटे को क्रिकेट मत खिलाए, फिर भी वो उसे कोलकाता भेज रहा था खेलने के लिए, अच्छा हुआ कि फ्लाइट छूट गई। अरे बेटा वो अपने बेटे को समझ चुका है, सुन वो बोल रहा था ना तेरे को कि वो ज्वाइन करेगा SSC क्रिकेट क्लब, चल हम उसे डबल पैसे देंगे और बोलेंगे कि कभी धोनी के एडमिशन मत करियो, फिर वो गली के क्रिकेट से तो इतना नहीं खेल पाएगा कि वो कहीं और चला जाए। हाँ पापा ये सही रहेगा, चलो चलो जल्दी चलो। हाँ बेटा रुक जा, पैसे ले लें दे, चल बेटा चलते हैं। हाँ पापा चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। पापा मुझे आपसे कुछ बोलना था। हाँ बेटा बोलो ना क्या हुआ। पापा वो
मतलब थोड़ा क्रिकेट में और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लग रही है मेरे को। सो मैं यहाँ पे बगल में जो क्रिकेट क्लब है वो ज्वाइन कर सकता हूँ? हाँ बेटा, पर उतने पैसे नहीं है हमारे पास। पापा आप चिंता मत करो, मैं पैसे का जुगाड़ कर लूँगा। ठीक है बेटा जा, 1000 से ऊपर होगी तो मत लियो। हाँ पापा ठीक है, 1000 तक ही उसकी फ़ीस है, मेरे दोस्त बता रहे थे। ठीक है बेटा जा, अपना अच्छा दियो प्रदर्शन हर जगह। सुनो, हम अपने बेटे का एडमिशन कराने तो आए हैं, एक काम और। हाँ बोलिए ना, क्या हुआ? हम कह रहे थे कि एक लड़का है महेंद्र सिंह धोनी नाम का, उसका एडमिशन मत होना चाहिए इस क्लास में। अरे पर ऐसा क्यों? उसका रीजन तुम छोड़ो, हम तुम्हें दुगने 3 गुने पैसे देंगे। ये लो पैसे, जितने पैसे चाहिए तुम्हें ना, जितने पैसे चाहिए सब रख लो, पर उस लड़के का एडमिशन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। हाँ ठीक है, नहीं होगा एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम हो गया समझो। ठीक है, हम तुम पे भरोसा करके जा रहे हैं, एडमिशन नहीं होना चाहिए, हम चलते हैं। ठीक है हो गया, आपका एडमिशन नहीं होगा। हाँ हाँ हेलो सर, मेरे को एडमिशन कराया था क्रिकेट क्लब में। हाँ क्या नाम है तुम्हारा? महेंद्र सिंह धोनी। अच्छा तो सुनो, फीस पता है ना यहाँ की, अफोर्ड कर पाओगे? कितनी है सर फीस? 1000 है ना? नहीं नहीं अभी बढ़ाई गई है फीस, 2500 है। बोलो ज्वाइन करना है? हाँ 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 मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूँगा। ठीक है तो आ जाना कल से। ठीक है सर, ठीक है फॉर्म ले लो। ठीक है सर मैं आता हूँ कल, फीस जमा कर लेता हूँ। हाँ ठीक है जाओ। ठीक है सर, थैंक यू सर। पापा मैं गया था वहाँ पे पर। हाँ बेटा क्या हुआ बोलो ना। पापा मेरे को लगा सारे दोस्त बोल रहे थे 1000 फीस है, पर उसने बोला 2500 है। अरे बेटा पर इतना पैसा कहाँ से आएगा मेरे पास? पापा चिंता मत करो, आप बस 500 तो इतना, मैं 2000 का इंतजाम कर लूँगा कैसे भी करके। ठीक है बेटा पर 2 नंबर का काम मत करियो, ट्रेन आ गई कोई तो होगा। हाँ सर कहाँ जाना है आपको? मैं आपका काम कूली का काम कर दूंगा। ठीक है पर 100 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगा। हाँ ठीक है 100 रुपये बहुत है सर, शुक्रिया सर, 100 रुपये भी दे रहे हो। हाँ ठीक है तो चलो सामान उठाओ, चलो रोजा चलना है। हाँ चलो ठीक है सर, आइए आइए सर आइए चलो। अरे रुको आगे आगे कहाँ जा रहे हो, रास्ता पता है? हाँ रास्ता पता है सर, नहीं तभी मैं आगे आगे चलूँगा। अरे सर ठीक है। अरे एक और आ गया। हाँ सर कहाँ जाना है आपको? मेरे को कहाँ जाना है रे? अरे सर आपको पता होगा ना कहाँ जाना है? अरे मेरे को कहाँ जाना था, मैं भूल गया। चलो शहर घुमाओ, बताता हूँ कहाँ चलना है। अरे ये क्या सर, चलिए 100 रुपये दूंगा। अरे ठीक है सर ठीक है, पर जाना कहाँ है? अरे वो मजाक कर रहा हूँ, चल मेरे साथ दिखाता हूँ। हाँ सर आपने बुलाया था मुझे। हाँ बुलाया तो था। हाँ बोलिए ना क्या हुआ? बोल रहा हूँ कि इस कोचिंग की फीस अब 2500 से 5000 हो रही। क्या क्यों? मैंने बोला था ना तुमसे जितने पैसे मैं दूंगा, फिर भी उसका एडमिशन क्यों? अरे मैंने उसकी फीस 2500 बताई थी, फिर भी वो ज्वाइन कर गया तो मैं क्या करूँ इसमें? और पैसे ले और फीस बढ़ा। वो कुछ प्राइवेट रीजन है, हम तुम्हें नहीं बता सकते। अगर तुम्हें देना है, पढ़ना है, रहना है कोचिंग में, तो 2500 से देगा 5000 रुपये दोगुना होगा। अबे सुन, बहुत दिमाग में गुस्सा है मेरे। मैं बोल रहा था ना कि 2500 बहुत है, मेरे को नहीं पढ़ना तेरी कोचिंग में बेटा, आज के बाद तेरी कोचिंग को ख़त्म करवा दूंगा साले। अरे जैक बेटा तेज पे क्यों, तेरे बस की नहीं है। अरे बाकर है, रुक जा और जान लगा के फेंकूंगा, खेल नहीं पाएगा तू, देख लियो। देख खेल के दिखा ये ले साले, छक्का ये चौका, एक गेंद पे चौका छक्का सब मार दूँ तेरे नुबड़े। अरे यार तू प्रो है तो क्या हुआ, देख लेना तुझे हराऊंगा मैं किसी दिन। चल ना। अरे ये कौन है? हाँ सर बोलिए क्या हुआ। बड़ा तुम अच्छा क्रिकेट खेलते हो, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो, तुम हमारी कोचिंग सेंटर में कोई नहीं ज्वाइन होते, हमारे कंट्रो सेंटर में बहुत अच्छे से क्रिकेट सिखा देंगे ये लोग। अरे सर ज्वाइन हुआ था, पर जो आपके पीछे मां से खड़े हैं उन्होंने मेरी 1000 से फीस पहले 2500 की, फिर 5000 कर दी, मुझे पता ही नहीं चला, और मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि मैं आपके कोचिंग सेंटर में 5000 दे के हर महीने पढ़ सकूँ। अरे ये क्या बोल रहा है सर, चलिए झूठ बोल रहा है, पता नहीं कौन है। कब आए थे रे तुम मेरी कोचिंग पे? सर CCTV कैमरे में रिकॉर्डिंग होगी आपकी। अरे बहुत आना है ये तो। ये सर चलिए छोड़िए सर, ये लोग ऐसे ही आ जाते हैं, छोड़िए। अरे नहीं तुमने इनकी फीस इतनी क्यों रखी?
अरे सर मैंने कुछ नहीं किया सर। तुमसे जवाब चाहिए, तुमने कितनी फीस क्यों रखी बताओ। अरे सर वो एक बंदा मेरे को पैसे की लालच दे रहा था सर, माफ कर दीजिए। अब नहीं करूँगा साहब, आज के बाद मेरे कोचिंग में तू कभी नहीं मैनेजर रहेगा, चल निकल ले। सर सर प्लीज सर भाग से भाग। अरे सर वो उन्होंने सच में ऐसा करा था सर। अरे ठीक है बेटा, मुझे पता था, इस पर मेरे को शक हो रहा था। कोई नहीं सर, कोई बात नहीं बेटा, तू बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, चल आज से तेरी हमारे क्रिकेट शोरूम में एंट्री फ्री है, तू आइयो पूरी प्रैक्टिस करियो फ्री में। सच में? हाँ मेरा ही है ये सब, तुम आराम से खेल लेना, मैं चलता हूँ। अरे सर बहुत बहुत थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत, आप भगवान हो मेरे लिए। अरे बेटा तू ऐसे ही खेलता जा, बहुत अच्छा खेलता है तू। शुक्रिया सर। ओए भाई मेरा क्रिकेट में एडमिशन हो गया भाई। अरे वाह, तेरा क्रिकेट का जलवे तो निखार के रखे हैं यार। यो कुछ 5 प्लेयरों की एंट्री हुई है क्रिकेट बीसीसीआई के अंदर वर्ल्ड कप के लिए। तो उन प्लेयरों का नाम है युवराज सिंह, सुरेश रैना, विराट कोहली, ऋषभ पंत, जैक शुक्ला और एक जसप्रीत बुमराह। मेरा नाम ही नहीं है यार। अरे हाँ एक दैट और एक बंदा और है जो 6-1 में रहेगा, उसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। मेरा नाम आ गया, मैं भी वर्ल्ड कप खेलूंगा। यस भगवान यस। भारत बनाम पाकिस्तान जो हर मैच अद्भुत होता है, देखना होगा कि कौन जीतता है। चेन्नई के इस हरे ग्राउंड पे और टॉस का समय हो चला है, सिक्का उछालने का समय और सिक्का उछला, देखना ये होगा कि किसकी तरफ जाता है ये सिक्का। तो टॉस जीत लिया है पाकिस्तान ने और अब बल्लेबाजी देने का फैसला किया है भारत को, तो पहले गेंदबाजी करेंगे पाकिस्तानी टीम और अब देखना ये होगा कि कौन रन बनते हैं सबसे ज़्यादा। की पहली गेंद रोहित शर्मा और धवन स्ट्राइक पे, पहली गेंद पे उछाल है और बाउंड्री रन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। इस तरह प्रदर्शन करता रहा तो बहुत बड़ा स्कोर तक जाएगा, मतलब कि पहली गेंद पे 4 रन रोहित शर्मा के बल्ले से निकला। दूसरी गेंद मलिक के हाथों में गेंद है और रोहित शर्मा बल्लेबाजी में और अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग देखने को मिली पाकिस्तानियों की तरफ से और डाइव लगाया और 1 रन मिल चुका है यहाँ पे भारत को, बहुत ही शॉर्ट रेंज में रनिंग हुई है। तीसरी गेंद मलिक की तरफ से, देखना ये होगा कि क्या होता है। फुल टॉस है, हवे में है और पहली सफलता मिलती हुई यहाँ पे शिखर धवन, मतलब पहली गेंद पे विकेट खोना पड़ा शिखर धवन को। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन पाकिस्तान की तरफ से, पहली गेंद पे चौका लगा उसके बाद से काफ़ी अच्छा बैकअप मिला देखने को यहाँ पे और शिखर धवन पवेलियन की तरफ लौटते हुए काफ़ी उदास। और अब आ रहे हैं देश की शान महेंद्र सिंह धोनी, अब क्या होगा पिच पे। पहली गेंद खेलते हुए और दे मारा है बाउंड्री रन के बाहर स्वीप तरीके से हेलीकॉप्टर शॉट 6 रनों के लिए, मतलब पहली गेंद खतरनाक साबित होती हुई। और फिर से वही शॉट, एक बार इतना लंबा छक्का, मतलब स्टेडियम पार कर गई गेंद, मानना पड़ेगा यही है महेंद्र सिंह धोनी। और दोनों प्लेयर आपस में कुछ बातचीत करते हुए, देखना यह होगा कि कितने विशाल स्कोर तक जाता है भारतीय बल्लेबाज भारतीय खेमा। और फिर से हवा में गेंद, शायद विकेट मिले नहीं, मिसफील्ड और 4 रन महेंद्र सिंह धोनी ऑन द फॉर्म। ये चौका काफी खतरनाक था, यहाँ पे विकेट कीपर काफी परेशान और शह के हाथों में गेंद है महेंद्र सिंह धोनी स्ट्राइक पे, एक और बाउंड्री रन के बाहर बहुत लंबा छक्का, स्टेडियम पार कर रही है गेंदे, देखना ये होगा कि कितने रन बनते हैं मिनिमम, क्योंकि मेरे उम्मीद से 300 से पार जा रही है भारतीय टीम। और यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी बहुत अच्छी बल्लेबाजी, और ये कैसा शॉट था भाई, अद्भुत शॉट।
बिल्कुल अद्भुत। और अब भारत की गेंदबाजी पहली गेंद पे उछाल और पहली गेंद पे विकेट मिलती हुई यहाँ पे भारतीय टीम को। क्या बल्लेबाजी थी लेकिन बॉलर और फील्डर बहुत खतरनाक। भारतीय टीम की तरफ मैच झुक रहा है, पाकिस्तानियों के बीच में बहुत उदासी। दूसरी गेंद और यहाँ पे वाइड गेंद है, यहाँ पे ये छोटी छोटी गलतियाँ आपके मैच हराती है, तो यहाँ पे थोड़ा संभल के करना होगा बुमराह को। गेंदबाजी और तीसरी गेंद, अच्छी प्रदर्शन और अच्छी फील्डिंग देखने को मिली यहाँ पे हार्दिक पांड्या की तरफ से। नेक्स्ट टू बैट आप लोग देख सकते हो, काफ़ी अच्छा प्ले ऑर्डर है पाकिस्तान का। अब ये देखना होगा कि कितने रन तक चेस कर पाते हैं ये लोग। यहाँ पे बहुत अच्छी गेंदबाजी, गेंद को बीट करा रहे हैं और बुमराह का यॉर्कर और हवे में है गेंद, क्या होगा। और एक और सफलता मिलती हुई यहाँ पे भारतीय टीम को, पर मैच काफ़ी बदल चुका है। विकेट तो मिला पर लेट, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रन बना दिया है पाकिस्तानी ने मिलके। और यहाँ पे मसूद का विकेट मिलता हुआ, फिर से बुमराह की यॉर्कर। अब देखना ये होगा कि क्या करता है ये यॉर्कर। और हवे में है गेंद, फील्डर नहीं मौजूद और गेंद चार रनों के लिए जाते हुए सनसनाता चौका पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तानी खेमे में काफ़ी खुशी और भारतीय खेमा थोड़ा थोड़ा शांत दिख रहा है अभी। और अब क्या कर रहे हैं, यॉर्कर ही करने का प्रयास कर रहे हैं हर बार बुमराह, कुछ अलग करने का कोशिश। और फिर से बैक स्टेप पे मारा है चार रनों के लिए, पर भारत ने यह मुकाबला जीत लिया। आखिरी गेंद में छोड़े छः रन और चार ही रन बन पाए भारतीय टीम के बीच में। बहुत बड़ी खुशी का माहौल, भारत ने जीत लिया है ICC वर्ल्ड कप, जो कि बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है विश्व का। पाकिस्तानी खेमा बहुत ही मुश्किल तरीके से मैच हार चुका है और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा महेंद्र सिंह धोनी का, मतलब अद्भुत खेल, अद्भुत। हमारी मेहनत पूरी हुई, महेंद्र सिंह धोनी ने जिता दिया अपने कपिल सिंह भैया वर्ल्ड कप। वाह मेरे दोस्त, तुमने कर दिखाया, अब तो मिलेगी पार्टी, ला 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 ला।